हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा सिसवन ब्लॉक के सिसवन बाज़ार से चैनपुर बाज़ार तक का एक कंप्लीट जर्नी। इस वीडियो की शुरुआत तो वैसे मैंने आंदर बाज़ार से की थी, लेकिन अगर आंदर से सिसवन तक का अगर फुल जर्नी को कवर करता मैं तो वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता और टाइम कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता। तो मैंने इस फाइल को स्प्लिट करके 3-4 अलग अलग पार्ट में बनाया है। जैसे कि पहला वीडियो बनाया था आंदर बाज़ार से रघुनाथपुर बाज़ार तक, दूसरा वीडियो बनाया था मैंने रघुनाथपुर से सिसवन, और तीसरा ये वीडियो जो है सिसवन से आपको चैनपुर बाज़ार तक है, और चौथा वीडियो चैनपुर से हसनपुरा होते हुए सिवान तक का एक कंप्लीट जर्नी। और ये सारी वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल सिवान संपर्क ऑनलाइन पे ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपको देखना हो तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वेल, अब हम लोग सफ़र की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई खान हैदर। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। अभी हम लोग सिसवन बाज़ार से लेफ्ट मुड़ करके अब हम लोग सिवान हसनपुरा रोड की तरफ जा रहे हैं। अगर वो सिसवन से हम लोग रोड सीधे की तरफ चले जाते तो वो रोड सीधा सीधी मांझी की तरफ चला जाता और मांझी होते हुए छपरा को निकल जाता है। बहरहाल वी हैव टू गो टू चैनपुर, सो वी जस्ट कंटिन्यू आवर वीडियो एंड जर्नी, स्टे कनेक्टेड। और अभी आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिसवन ब्लॉक सिवान। सिसवन सिवान मुख्य पथ की अगर बात की जाए तो सड़क बहुत ही बेहतरीन है, एज यू कैन सी इन द वीडियो। रोड भी चौड़ा है और रोड बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बेहतरीन रोड बनाया गया है। और आप देख रहे हैं चांदपुर गांव का बोर्ड। ये गांव जो है रोड के दाहिनी साइड और बाईं साइड दोनों तरफ है। और मैं अक्सर आपको वीडियो में बताता हूं कि जब हम लोग मुख्य पथ से गुजरते हैं तो रोड किसी भी बाज़ार पर रोड से दाएं बाएं का रास्ता कटता है और वो रास्ता कहीं ना कहीं छोटे मोटे गाँव की तरफ ज़रूर जाता है। बहरहाल वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे अपने सफ़र को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग आ चुके हैं तिलौता गांव की तरफ। और अब हम लोग आ चुके हैं गुरघाट गांव की तरफ। काफ़ी ग्रीनरी, काफ़ी हरियाली नज़र आ रही है आपको गांव में। और अभी हम गुजर रहे हैं सिसवन प्रखंड के भगवानपुर गांव के पास से। आप देखिए रोड के दोनों साइड अशोक के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। और अभी हम लोग गुजर रहे हैं रामपुर गांव के पास से। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप सभी को रोड मैनुअल्स के बारे में ज़रूर बोलता हूं कि आप जब भी रोड पर इस कभी भी किसी भी रूट पर चलें, बाइक से चलें, फोर व्हीलर से चलें, आप अपनी स्पीड को इतनी न रखें कि जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो, किसी तरह की दिक्कत हो या तकलीफ़ हो। हमेशा सेफ्टी के साथ चले रोड पर, हेलमेट लगाएँ और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और अभी हम लोग गुजर रहे हैं मोरवन गांव के पास से। ये देखिए नया ब्रिज बना हुआ है। पहले ये छोटा वाला ब्रिज लेफ्ट साइड का था, पहले वो था, लेकिन अभी उसका एक्सटेंशन करके ये काफ़ी चौड़ा ब्रिज बना दिया गया है।
कैपिटल। फाइनली वी हैव एंटर्ड चैनपुर। अभी आप देख रहे हैं चैनपुर का ये सारा इलाका, चैनपुर का दक्षिणी छोर है और हम लोग ऐसे ऐसे चैनपुर के इंटरनल पार्ट की तरफ जा रहे हैं, चैनपुर बाज़ार की तरफ। वीडियो देखें और वीडियो का आनंद लें। चैनपुर की खास बात ये है कि यहाँ पर काफ़ी पुरानी और भव्य मंदिरें हैं, काफ़ी बेहतरीन, बहुत ही पुरानी भव्य मंदिरें हैं। लोगों की काफ़ी आस्था है मंदिरों के साथ। बहरहाल वीडियो को बढ़ाते हैं और चैनपुर में आ गए हैं। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई खाना है। आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवान संपर्क ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इस वीडियो की शुरुआत मैंने सिसवन बाज़ार से की थी और इस वीडियो का समाप्ति मैं चैनपुर बाज़ार तक करूँगा, चूँकि अब हम लोग चैनपुर बाज़ार में आ चुके हैं। दोपहर के वक्त काफ़ी हाईली डेंस इलाका कहलाया जाता है, ये काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो दोस्तों आप ये बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज शिवान बिहार से जुड़ें और हमारा यूट्यूब चैनल को तो आप जानते ही हैं शिवान संपर्क ऑनलाइन, उससे भी जुड़ें। इस बाज़ार से दो रास्ता हो जाता है। राइट का रास्ता जो है वो रसूलपुर चट्टी सारण की तरफ चला जाता है और सीधे हसनपुरा होते हुए सिवान की तरफ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।